ऐसा क्या भेजा तूने उसे जिसका उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि वो बेहोश हो गया? दादी जी जो भी है ना वो डॉक्टर शिव खुद बता देंगे, लेकिन इस वक्त हमारा डॉक्टर शिव से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज शक्ति यहीं रुक जाओ। अंदर नहीं जाओगी। दादी सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा, शिव की ये हालत तेरी वजह से है। सो तुम अंदर नहीं जाओगी। अब क्यों जाना चाहती हो, क्यों जाना चाहती हो? हमारे शिव की जान दोगी क्या? दादी हमें ये नहीं पता कि ये डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमारे अंदर जाने से डॉक्टर शिव को कुछ भी नहीं होगा। प्लीज शक्ति तू ना अभी एमबीबीएस कर रही है, अभी डॉक्टर बनी नहीं है जो इतने बड़े डॉक्टर की बात काट रही है। तू उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? तुम अंदर नहीं जाओगी लड़की। लेकिन पापा जी उनकी तबीयत खराब है, प्लीज प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, मिलने दीजिए ना उसे, मिल लेने दीजिए ना शक्ति को शिव से एक बार। तुम चुप रहो। वरना जो इतने दिनों में नहीं हुआ है वो आज यहाँ सबके सामने हॉस्पिटल में हो जाएगा और यहाँ तुम्हें तो बचाने भी नहीं आएगा। हमें डॉक्टर शिव से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर किसी में हिम्मत है ना तो फिर हमें रोक के दिखाए। तुम अंदर नहीं जाओगी। अगर तुम शिव की पत्नी हो तो हम उसके पिता हैं। हमारे शिव की जिंदगी पहले उसकी अपनी मां ने बर्बाद की, अब उसकी जिंदगी धीमी बर्बाद कर रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। पद्मा। जी भैया। रिमझिम। जी पापा जी। इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। जी नहीं पापा जी आप ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते अभी तुझे दिखाते हैं। दी प्लीज नहीं, नहीं। चलिए भाभी। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। पापा जी ने कह दिया ना कि डॉक्टर शिव से नहीं मिलना है, मतलब नहीं मिलना है। डॉक्टर शिव चलो। डॉक्टर शिव डॉक्टर शिव क्या अपने बच्चे को देख सकते हैं? नहीं सर, अभी मैं अलाउ नहीं कर सकता। अभी आप लोग प्लीज चले जाइए, जैसे ही डॉक्टर शिव की कंडीशन कुछ स्टेबल होगी हम लोग खुद आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। अभी के लिए प्लीज। डॉक्टर हमारे शिव को कुछ होगा तो नहीं ना? ट्रस्ट मी, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। उसका ध्यान रखिएगा। जी चलिए, हमने कहा चलिए चलिए। दी प्लीज नहीं। दी वापस आने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस से पिटवा के ना जेल भिजवा देंगे। हाँ था ना हमने तुझसे शक्ति, जैसे तूने हमें हमारे प्यार से अलग किया ना, तू भी अपने प्यार से अलग हो जाएगी। हमसे हमारा प्यार, हमसे हमारे पति छीने है ना, हम तुझे बददुआ देते हैं कि तेरा प्यार भी कभी पूरा नहीं होगा, तुझसे भी तेरी खुशियां छीन जाएगी, तेरे पति तुझसे दूर हो जाएंगे। अब देख, हमारी बददुआ काम कर गई है। चलो रिमझिम बेटा, इनसे क्या ही मुंह लगना, चलो। कुछ हुआ नहीं है, करवाया गया है और हमें पूरा यकीन है कि डॉक्टर शिव को मंदिरा ने कुछ किया है। मान गए, आपके अंदर भी एक छोटा मोटा विलन छुपा हुआ है पद्मा दीदी। बीना भाभी कुछ भी कहती हैं, अरे विलन क्या, हमारे अंदर तो छोटा मोटा साइड हीरोइन भी नहीं छुपा हुआ है। पर आपको एक सच बात बताएं कि शिव को ऐसे बेहोश देख के ना हमारे गले में जान अटकी हुई है, कहीं उसको कुछ हो गया तो? अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ है भोलेनाथ, अब होगा। क्या होगा? शिव का खून। क्या? जरा सोचिए पद्मा दीदी, इस वक्त शिव आईसीयू में है, अकेला है, बीमार है, उसके साथ कोई नहीं है, ना शक्ति, ना गायत्री, नंदू भी नहीं। और ऐसे में अगर शिव मर जाता है तो सारा इल्जाम किस पर लगेगा? किस पर? शक्ति पर। शक्ति पर? यही मौका है पद्मा दीदी, यही सबसे बड़ा मौका है। शिव को मारना होगा, आज और अभी। हम अपने डॉक्टर शिव को कुछ भी नहीं होने देंगे। आज तो शिव मरा, माँ हमें कैसे भी करके अंदर जाना ही होगा। मंदिरा कुछ तो प्लान कर रही है, हमें नहीं पता कि क्या प्लान करिए, लेकिन इतना तो पता है कि उसका इरादा बिल्कुल ठीक नहीं है, और घर वालों को भी उस पे आंख बंद कर विश्वास है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो कुछ भी कर सकती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, मंदिरा का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन बेटा, घर वाले तुम्हें किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने देंगे। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, नजर बचा के हम अंदर तो जा सकते हैं। ठीक हो बेटा? माँ, हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी अभी कीर्तन को देखा है। क्या? कीर्तन को? लेकिन कीर्तन तो जेल में है ना बेटा? माँ नहीं, हो ना हो हमने कीर्तन को ही देखा है। माँ सोचिए ना, जब से कीर्तन अरेस्ट हुआ है उसकी किसी से बात हुई है? किसी को पता है कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है? नहीं ना, यहाँ तक कि हमें अपडेट्स भी मंदिरा से ही मिल रहे हैं। और पुलिस को फोन भी मंदिरा ने ही किया था। एग्जैक्टली। लेकिन अगर ये कीर्तन है तो शक्ति बेटा, कीर्तन का यहाँ आना कोई ठोस कारण हो सकता है ना? वो ऐसे ही बेवजह यहाँ नहीं होगा। माँ, हमें पूरा यकीन है कि उस कीर्तन को ना मंदिरा ने ही यहीं बुलाया है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिरा से यूज करके डॉक्टर शिव को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस वक्त हम इस वक्त पैनिक नहीं कर सकते। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। आप एक काम कीजिए, आप आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में चेक कीजिए कि कीर्तन वहाँ है भी या नहीं। हम उस आदमी का पीछा करते हैं, उस पर नजर रखते हैं, ठीक है? लेकिन हम अकेले पुलिस स्टेशन कैसे? किसने बोला कि आप अकेले जाएंगी? हाँ, चाची जी, मैंने सब सुन लिया है, तू फिक्र मत कर। समदन जी अकेले नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगी इनके साथ। हम दोनों मिलके इधर जितने भी पुलिस स्टेशन है ना, सब जगह पूछ लेंगे टोटल, ठीक है? शुक्र है भोलेनाथ पर कि आप आ गई, हम तो डर ही गए थे। पता नहीं था हमें कि हम ये अकेले कर पाएंगे या नहीं। हाँ बेटा, तू अकेली नहीं है। खबर न हो तो कह दूं, डॉक्टर शिव की पत्नी, उसकी माँ और उसकी सासू माँ, तीनों देखो कैसे ढाल बन के खड़े रह जाएंगे उसके दुश्मन के सामने। तेरी डॉक्टर शिव को हम कुछ नहीं होने देंगे, है ना? सासू माँ नहीं मनोरमा जी, माँ। अगर आप हमारे बेटे शिव को अपना बेटा मानती हैं तो आप भी तो उसकी माँ हुई ना? तीन तिगड़ा और तीनों ने मिलके दुश्मन का काम बिगाड़ा। हर हर महादेव। चलिए अब आप लोग जाइए। हाँ, जल्दी चलिए चलिए। माँ जी, फोन हमारे पास तो फोन ही नहीं आपको कांटेक्ट करने के लिए। ये हमारा फोन है। अपना ध्यान रखना, आप भी जल्दी जाइए। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे डॉक्टर शिव। भोलेनाथ हमारे साथ है। डॉक्टर शिव प्लीज बस जल्दी आ जाइए। यहाँ पाएंगे ना तो आपको सारा सच खुद पता चल जाएगा। वो सच जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आज तक जितनी प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। आप बस जल्दी आ जाइए प्लीज। शक्ति भाभी, आप क्या कह रही हैं? भाभी आप क्या कह रही है? आपको कितनी बार कहा है हम कोई चोर उचक्के डाकू क्रिमिनल टाइप के लोग नहीं है। अब आप ना ये बिल्कुल मत कहिएगा कि हम आपको अपना लॉयल्टी साबित नहीं करना चाहते। अरे आप कोई जिल्ले इलाही और हम कोई अनारकली थोड़ी ना है जो आपके इशारों पे नाचते रहे। आपको लॉयल्टी साबित करने के चक्कर में ना हम जेल नहीं जाएंगे, बस बता रहे हैं। बस आप नहीं मार रही है शिव को पद्मा दीदी। हम नहीं मार रहे। हे प्रभु, तो फिर क्या आप? नहीं पद्मा दीदी, मैं कैसे मारूंगी? अरे यहाँ पर हम तो फैमिली है ना। हाँ, हम तो फैमिली के साथ होंगे। हाँ, और जब हम फैमिली के साथ होंगे, उनके नजरों के सामने होंगे, तो हम पर इल्जाम कैसे लगेगा? तो फिर ये काम कौन करेगा? तो डॉक्टर, नर्स, वॉर्ड बॉय, तो बाहर का आदमी। भाभी, आपने किसी को पैसे दिए ये काम करने के लिए? ऐसे कामों में पैसे देने के बाद भी खतरा रहता है। क्या पता कब कौन कहाँ बिक जाए और हमें पता भी ना चले। ऐसे ही एक बिकाऊ आदमी को ठिकाने लगा कर आ रही हूं मैं। तो फिर कौन करेगा हमारा ये काम? हमारा काम जो करेगा ना पद्मा दीदी, इस वक्त वो हमारे हॉस्पिटल पहुंच गया है। अगर वो कीर्तन ही था तो हमें पता करना होगा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों आया और क्या करने क्या आया है। क्या करें हम? तो शिव के पास नहीं जा सकती। दादी प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। नहीं। कमाल की लड़की हो तुम। जब तुमसे एक बार कह दिया कि तुम डॉक्टर शिव से नहीं मिल सकती, तो मतलब नहीं मिल सकती। पापा जी प्लीज हमें डॉक्टर शिव के पास जाना ही होगा। क्यों? नहीं। क्योंकि दीप अगर हमने इन्हें कीर्तन के बारे में बताया तो ये हमारी बात नहीं मानेंगी और मंदिर और कीर्तन अलर्ट हो जाएंगे। हमें जो भी करना होगा चुपचाप करना होगा, क्योंकि हम डॉक्टर शिव की पत्नी हैं। और उनसे मिलने के लिए हमें किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति वो बाद में है, पहले हमारा पोता है। तुम्हारा शिव के आसपास होना ही उसके लिए खतरा है, इसीलिए तुम अंदर नहीं जा सकती। दादी प्लीज डॉक्टर शिव से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज हमें जाने दीजिए। नहीं, तुम उसके पास नहीं जा सकती। चलो बाहर चलो। ये मानेंगी नहीं, हमें इसे बाहर तक छोड़ के आते हैं। चल दादी, दादी प्लीज चल। हम दादी भी एक नहीं सुनने वाले। चल प्लीज हमारी बात सुनिए। चलो। जैसे को तैसा तो अब मिलेगा। अब पता चलेगा कैसा लगता है जब आप उस इंसान से दूर होते हो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। दादी, दादी हमारी बात सुनिए प्लीज। जा यहाँ से, अभी दोबारा मत आना। जाओ, जाओ, मुझे कोई बात नहीं सुन। दादी, दादी क्या करें? कैसे पहुंचे डॉक्टर शिव तक? पुलिस भाई, इधर आपने कीर्तन नाम के किसी आदमी को जमा किया है। क्या नाम बताया आपने? कीर्तन, भजन कीर्तन। अब कीर्तन कश्यप। अब मंदिरा की नालायक औलाद। कीर्तन कीर्तन कीर्तन, इस नाम से तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं? नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि उसे पहले यहाँ लाए हो और उसके बाद कहीं और ले गए हो। हाँ, इस महीने तो यहाँ ऐसा कोई भी केस नहीं आया। पूरे महीने में कोई कीर्तन नहीं आया? हाँ बिल्कुल, कोई कीर्तन नाम का क्रिमिनल नहीं आया है जिसे ट्रांसफर किया गया हो। जी हमारे हैं डॉक्टर शिव, हमारे हैं। आप अकेले नहीं हैं भोलेनाथ। हमारे डॉक्टर शिव की रक्षा कीजिएगा। हर हर महादेव। जो तोड़ के झूमे बम 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 वही शिव है। कण कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति।